लीला का सिर्फ राधा रानी के लीला चिंतन करते, जीव से जप करते रहते थे, तपस्या में लगे रहते, ब्रज में वास करते थे। कृष्ण कुंड सामान्य नाम होता है, लेकिन इसका रत्न कुंड नाम है। उस तट पर उस किनारे आपने देखा होगा दो वृक्ष हैं, एक तमाल के और कदम के, आपस में टूटे मिले हुए। एक वृक्ष तमाल वृक्ष भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, समझा था भगवान ही है वृक्ष रूप में। कदम में वृक्ष है वो श्रीमती राधा रानी है, इनके ट्विन वृक्ष है, कुंड है। और इधर पहाड़ी पर हम लोग वहां जाएंगे नहीं तो उनको रत्न बेदी है, बेदी है रासलीला का एक स्थान है, इधर है किस निशान में ऊपर है एकदम टॉप पर रत्न। और यहाँ पर भगवान की रासलीला होती है रात्रि के समय, भगवान यहाँ आते थे। रास स्थलियों में एक महत्वपूर्ण स्थान है कदम कुंड, दो पर्वतों के बीच में है, घाटी में है।